क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान न्यूज 24 और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। IPL 2019 में कोलकाता नाइट राइडर्स बेशक कई मुकाबले हार कर पॉइंट्स टेबल में पिछड़ चुकी है, लेकिन विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल ने लगभग सभी मैचों में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का लोहा मनवाया है। आरसीबी के खिलाफ पहले मुकाबले में मात्र 13 गेंद पर 48 रनों की तूफानी पारी खेल केकेआर को जीत दिलाने वाले आंद्रे रसेल ने दूसरे राउंड के मुकाबले में भी आरसीबी के गेंदबाजों की खूब कुटाई की। हालांकि आंद्रे रसेल दुर्भाग्य से इस बार अपनी टीम को जीत दिलाने से चूक गए, लेकिन मात्र 25 गेंदों पर 65 रन की तूफानी पारी खेल तहलका मचा दिया। इससे पहले भी रसेल अकेले दम पर दिल्ली कैपिटल समेत कई टीमों की गेंदबाजों की कुटाई कर चुके हैं, लेकिन टीम के बल्लेबाजों के साथ ना मिलने की वजह से रसेल कई मुकाबलों में बेहतरीन बल्लेबाजी के बावजूद अपनी टीम को जीत दिलाने में नाकाम रहे। इस बीच आरसीबी के खिलाफ मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद एक दर्शक ने आंद्रे रसेल के इंसान होने पर ही सवालिया निशान लगा दिया। इस क्रिकेट फैन ने अपने हाथ में लिए एक पोस्टर में लिखा था, हम आंद्रे रसेल के डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं, वे इंसान हैं कि एलियन। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि आंद्रे रसेल एक इंसान है, लेकिन उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर क्रिकेट फैंस उन्हें एलियन तक बताने लगे हैं। गौरतलब है कि आंद्रे रसेल आईपीएल 2019 में अब तक 8 पारियों में सबसे ज्यादा 39 छक्के जड़ चुके हैं।